नमस्कार, मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत यूपी टीईटी परीक्षा पेपर लीक को मामले को लेकर। जी हाँ, दरअसल देखने को मिला कि प्रियंका गांधी ने अब बहुत बड़ा खुलासा किया। दरअसल यूपी टीईटी पेपर लीक का जो मामला सामने आया ना, इसमें बीजेपी विधायक के भाई का नाम शामिल है। प्रियंका गांधी ने पूरी सच्चाई यहां पर खोल दी है। प्रियंका गांधी ने बताया कि किस तरह युवाओं के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, और किसी और ने नहीं बीजेपी विधायक के बेटे ने किया। बीजेपी विधायक के बेटे ने जिस तरह से यहां पर खिलवाड़ किया, उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि वाकई मौजूदा समय के अंदर किस तरह बहुत बड़े हद तक यहाँ पर चीज़ें अलग होती नजर आ रही है। मौजूदा समय के अंदर किस तरह बहुत बड़े हद तक बीजेपी जो है इस तरह का काम करती नजर आ रही है। हाल ही में देखने को मिला, बीजेपी विधायक के बेटे ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी, और अब यूपी टीईटी पेपर के लीक मामले में बीजेपी विधायक के भाई का नाम शामिल है। तो यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से करप्ट होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में जो एक नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि हम सबके साथ मिलकर करेंगे, काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन यहां पर तो अपनी मलाई खाने का काम बीजेपी के बड़े बड़े नेता करते नजर आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता ये सब देख रही है, जिसका असर चुनाव पर पड़ता नजर आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।